Students, this is the 11th chapter of class 4 mathematics, that is perimeter and area. In this video we will study about exercise 11.3, in which we will study about story sums related to perimeter, and further we will talk about the area. Now look at the first question of exercise 11.3. A square field is 60 meter long. How much wire is needed to fence the field? Ek square ki field hai, उसकी जो लेंथ है, एक साइड जो उसको उसकी दे रखी है वो आपको दे रखी है 60 meter. हमें फेंसिंग करनी है, तो हमें कितनी वायर चाहिए होगी फेंसिंग करने के लिए? आपकी जो स्क्वायर की साइड दे रखी है वो है 60 meter. अब फेंसिंग मतलब मुझे कॉर्नर्स पे, बाउंड्रीज पे करनी होती है फेंसिंग. इट मीन्स मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 into side. 4 into side क्या दे रखी है आपको? 60. तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 240. तो फेंसिंग करने के लिए आपको वायर कितनी चाहिए? 240 meters. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि रिहाना अपनी सिस्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए टेबल पर, रेक्टेंगुलर की शेप का टेबल है, साइड में लेस लगा रही है टेबल के क्लोथ पर, ठीक है. उसके पास जो लेस है उसका रोल है पूरा 10 meter लेस का, और जो उसकी टेबल है उसका आपको लेंथ दे रखा है 3 meter और ब्रेड दे रखा है 1 meter 50 centimeter. तो कितना लेस उसको चाहिए होगा और लेस यूज़ करने के बाद कितना उसका रोल में से लेफ्ट रह जाएगा वो हमें बताना है. तो लेंथ दे रखी है आपको टेबल की 3 meters, ब्रेड दे रखी है 1 meter 50 centimeters. अब ये मीटर्स में है, इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 150 centimeters. तो लेंथ जो लेस की यूज़ होनी है वो चारों तरफ पे होनी है. इट मीन्स मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into length plus 2 into breadth. 2 into length क्या है आपकी 3, प्लस 2 into breadth क्या है आपकी 1.50. 2 3 the 6, 1.50 में से डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आया, 0 से 0 cancel. अब ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 3 the 15, 5 2 the 10. 5 से मैं डिवाइड कर दिया दोनों को, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 6 plus 3 9. तो आपकी पेरीमीटर क्या आ गई? 9. तो आपकी लेंथ कितनी यूज़ होगी लेस की? 9 meters. और रोल में कितनी लेंथ थी आपकी? 10 meter. तो लेस कितनी बच गई? अगर आपका 10 meter का रोल था, 9 meter आपने यूज़ कर लिया, तो आपकी कितनी बच गई? 10 meter minus 9 meter, दैट इज़ इक्वल टू 1 meters. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एवरी मॉर्निंग मिस्टर बरुआ वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 90 meter. हाउ मच डिस्टेंस डज ही वॉक एवरी मॉर्निंग? Mr. Jose take 2 rounds of the same park. How much distance does he walk? Mr. Barua एक square park के side में एक round लेते हैं daily. और उस square park की जो side है वो 90 meter की है. तो वो कितना distance cover करते हैं एक दिन में वो बताना है. और जो Mr. Jose हैं वो same park के 2 rounds लेते हैं. तो हमें बताना है कि Mr. Jose कितना distance cover करते हैं. अगर square round है तो square के चारों तरफ घूम रहे हैं. It means मुझे क्या निकालना है इसमें? Perimeter. नाउ अब हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस आपकी स्क्वायर पार्क का साइड है 90 meter, तो 1 round में डिस्टेंस मतलब आपका क्या निकालना है? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 multiply by side, 4 multiply by 90. तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 360. तो मिस्टर बरुआ एक राउंड लगाते हैं, तो डिस्टेंस जो मिस्टर बरुआ ने कवर किया वो है आपका 360 meters. अब हमें ये बताना है कि मिस्टर जोस ने कितना डिस्टेंस कवर किया. मिस्टर जोस 2 rounds लगाते हैं, 1 round का ये रहा, तो 2 rounds का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई. तो 2 को मैंने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 720 meters. तो मिस्टर जोस जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो है 720 meter, एंड जो मिस्टर बरुआ डिस्टेंस कवर करते हैं वो है आपका 360 meters. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एक स्क्वायर मिरर है जिसकी साइड दे रखी है 30 centimeter. लेंथ हमें फ्रेम करना है मिरर को, लेंथ निकालनी है फ्रेम की, और मीटर एंड सेंटीमीटर में निकालना, मतलब मीटर एंड सेंटीमीटर में कंबाइन मुझे उसकी लेंथ निकालनी है. साइड दे रखी है स्क्वायर मिरर की 30 centimeter, लेंथ दे रखा है फ्रेम का, पेरीमीटर निकालना होगा अगर फ्रेम है आपका स्क्वायर की शेप में, और आपके उसके साइड में आपने फ्रेम लगाना है, मिरर के फ्रेम लगाना है, तो आपको पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 multiply by side, 4 multiply by side आपकी 30, क्या आ जाएगा? 120 centimeters. अब मुझे मीटर और सेंटीमीटर में निकालना है, तो मैंने 120 को लिख दिया 100 plus 20, इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी, इसको सेंटीमीटर में ही छोड़ दूँगी. 100 को 100 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, क्या रहेगा? सिर्फ 1. तो आपका आंसर आ गया 1 meter
20 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेथ दे रखी है आपको रेक्टेंगल की 72 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 टाइम्स है। मींस आप अगर ब्रेथ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी लेंथ। आपने पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। ब्रेथ दे रखी है आपको, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर, लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ को। तो जब आप 4 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 288। तो लेंथ आ गई आपकी 288 सेंटीमीटर। अब आपने पेरीमीटर निकालना है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ आपकी 288 हमने निकाली प्लस 2 इंटू ब्रेथ आपको 72 की बन थी। 288 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 576, देन 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 144 और दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया 720। तो पेरीमीटर क्या आ गया आपका रेक्टेंगल का, 720 सेंटीमीटर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एरिया। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम अगर 11.4 में देखें तो मुझे स्क्वायर फाइंड करने हैं कितने हैं और उसके बाद मुझे एरिया लिखना है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें, ध्यान से देखेंगे बिकॉज बहुत लाइट लाइन लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 5 स्क्वायर्स हैं अगर आप ध्यान से देखें। अब हम काउंट करते हैं, मैंने पेंसिल से डार्क कर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने स्क्वायर हैं, 15। तो इसका एरिया आ गया 15 और जो आपका एरिया का यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट्स, या मीटर में दे रखा है तो स्क्वायर मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट की अगर हम बात करें एरिया की तो क्या होती है, स्क्वायर मीटर। नाउ सेम अगर मैं सिक्स पार्ट देखूं तो इसमें अगर मैं काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स में करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये हमें शेप गिवन है, इसका मुझे एरिया बताना है कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 स्क्वायर मीटर्स, मीटर में था, 1 ब्लॉक का मतलब 1 मीटर है तो 10 स्क्वायर मीटर्स। आपका एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर्स। पेरीमीटर में सिर्फ मीटर, सिर्फ सेंटीमीटर, लेकिन एरिया में स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर सेंटीमीटर्स, जो भी आपको यूनिट गिवन हो। अब इसके बाद आपने ड्रॉ करनी है शेप जिसका एरिया 10 से बड़ा हो और एक और शेप ड्रॉ करनी है जिसका एरिया 10 से छोटा हो। नाउ मैंने यहाँ पे 12 स्क्वायर की शेप ड्रॉ कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो इसका एरिया आ गया 12 स्क्वायर मीटर जो कि 10 से बड़ा है। अब छोटे के लिए, स्मॉलर के लिए मैंने 8 की ड्रॉ कर दी। आप 10 से स्मॉलर बनाना है, आप किसी की भी ड्रॉ कर सकते हैं, 5 की, 4 की, 6 की, बट 10 से स्मॉलर होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो क्या आ गया, 8 स्क्वायर मीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको शेप गिवन है, इसमें कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं, इन्होंने बता रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब मुझे शेप्स बनानी है जिनका एरिया 5, 7, 9 और 10 स्क्वायर यूनिट्स हो। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 स्क्वायर यूनिट्स के लिए मैंने 5 स्क्वायर ड्रॉ कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5 सिमिलरली 7 स्क्वायर मीटर्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 के लिए 9 स्क्वायर्स वाला फिगर ड्रॉ कर दिया एंड 10 के लिए 10 स्क्वायर्स वाला। तो ये क्या बन गए आपके, 10 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर मीटर यूनिट्स के स्क्वायर्स। नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव कर रहे हैं, जब हमें रेगुलर और इररेगुलर शेप्स का एरिया निकालना हो। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.5 में, वो आपको रेगुलर शेप्स का एरिया बता रहा है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर हम फर्स्ट फिगर में देखें तो फुल स्क्वायर्स कितने हैं, जो पूरे पूरे स्क्वायर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 तो यहाँ पे आपके फुल स्क्वायर्स कितने हो गए, 3। अब मैं हाफ स्क्वायर्स काउंट करूँगी, 1, 2, 3 हाफ स्क्वायर्स कितने आपके, 3। तो फुल स्क्वायर 3 थे तो उसकी वैल्यू तो आपकी 3 यूनिट ही रह गई, हाफ स्क्वायर 3 थे तो हाफ स्क्वायर की वैल्यू हाफ हो जाती है, मतलब आप जितने स्क्वायर्स थे उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो हाफ स्क्वायर्स की वैल्यू हो गई 3/2 यूनिट। अब एरिया निकालने के लिए 3 और 3/2 को क्या कर देंगे, प्लस। 3 प्लस 3/2 करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है, इसको डिनोमिनेटर 2 बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी, 3 to the 6, 1 to the 2 प्लस 3/2। अब 6 + 3 आपने अलग रखा, डिवाइडेड बाय 2, 6 + 3 = 9, 9/2 ये इम्प्रॉपर है तो डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन आया 4, रिमाइंडर आया 1।
तो आपका क्यू आर बाय डी फॉर्मूला होता है, तो आपका क्या आ गया 4 1/2, तो आपका एरिया क्या आ गया 4 1/2। सिमिलरली फोर्थ शेप देखें तो इसमें फुल स्क्वायर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके फुल स्क्वायर्स कितने हैं इसमें 12। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फुल स्क्वायर्स हैं आपके 12। अब मैं हाफ स्क्वायर जब आप काउंट करेंगे तो आपके आएंगे 4। 4 स्क्वायर है हाफ, तो वैल्यू उसकी हाफ होगी, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आ गई 2 यूनिट्स। अब 12 और 2 को ऐड कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा एरिया, तो 12 प्लस 2 इज 14, तो आपका आंसर आ गया 14 यूनिट्स। 14 स्क्वायर यूनिट्स आएगा बिकॉज जो आपके एरिया की यूनिट होती है उसमें आपका क्या लगता है स्क्वायर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है इरेगुलर शेप्स दे रखी हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा रेगुलर शेप्स का, और क्वेश्चन नंबर 2 इरेगुलर का। इरेगुलर शेप्स में हम क्या करते हैं, जो फुल स्क्वायर्स होते हैं उनको हमने फुल लिया, जो हाफ से ज़्यादा होते हैं मोर देन हाफ होते हैं उनको भी मैं फुल मानती हूँ, जो हाफ होते हैं उनको मैं हाफ, और जो हाफ से कम होते हैं उनको हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें 1 2 3 फुल स्क्वायर्स है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, अगर आप देखेंगे हम कैसे लिखेंगे इसको, फुल स्क्वायर है आपके 3, तो इसकी यूनिट हो गई 3 यूनिट्स। नाउ इसमें मैं मोर देन हाफ अगर काउंट करूं तो कितने आएंगे 1 2 3 एंड 4, तो मोर देन हाफ हो गए आपके 4, तो इनकी यूनिट्स भी पूरी एज फुल स्क्वायर काउंट करते हैं हम इनको, तो क्या हो गया 4 यूनिट्स। अब जब आप हाफ स्क्वायर काउंट करेंगे तो आपका हाफ स्क्वायर इसमें 1 ही है, ये वाला हम हाफ में मान रहे हैं, तो हाफ आपका 1 ही है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, दैट इज 1/2 स्क्वायर यूनिट। लेस देन हाफ जब आप काउंट करेंगे 8 है, लेकिन हम लेस देन हाफ को क्या कर देते हैं इग्नोर, तो हम उनको क्या कर देंगे लीव, तो हम इनको ऐड नहीं करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे 3 + 4 + 1/2। तो एरिया निकालने के लिए 3 + 4 + 1/2, 3 + 4 = 7, 7 + 1/2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर 2 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 to the 14, 1 to the 2, तो 14/2 + 1/2 क्या हो गया आपका 15/2, मिक्स्ड में चेंज किया तो 7 1/2 क्या आ गया 7 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से आप इसके बाकी के पार्ट्स ट्राई करेंगे। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 11। वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर्स इन द नेक्स्ट वीडियोज़।